असल स्टूडेंट्स आई होप यू पीपल आर फाइन वेलकम टू यस लेक्चर ऑफ क्लास नाइन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एनदर टॉपिक दैट इज़ फ्री फॉल मोशन ऑफ बॉडी सबसे पहले तो ये देखेंगे कि फ्री फॉल होता क्या है जब भी कोई बॉडी एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे आएगी अर्थ की तरफ तो उस कंडीशन में जो बॉडी है उसको फ्री फॉल बॉडी कंसिडर किया जाता है तो अगर कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ फॉल होती है तो देयर एग्जिस्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेट इज़ ड्यू टू द अर्थ तो जब भी हम फ्री फॉल मोशन की बात करेंगे तो जस्ट एक मोशन का जिक्र होगा डैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये वो फोर्स है जो अर्थ की तरफ से उस फ्री फॉल बॉडी पे लगाई जा रही होती है अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या बिलोसटी चेंज होती है जब बॉडी को फ्री फॉल मूव करवाया जाए बेसिकली बिलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें दो पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है नंबर वन इज़ डायरेक्शन एंड द अदर इज मैग्नीट्यूड तो अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जाए तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है जैसे कि स्टूडेंट आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है कि एक बॉय ने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और वो जैसे ही ऊपर जाती गई उसकी स्पीड डिक्रीज़ होती गई जब वो बॉल एक स्पेसिफिक हाइट पे पहुंच गई तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो जब भी आप किसी बॉडी को बॉल है चाहे स्टोन है किसी एक स्पेसिफिक हाइट पे फेंकते हैं ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप होती है जस्ट नैनोसेकंड्स सेकेंड्स के लिए तो वहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि अब यहाँ पे ये यह बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है और जहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे कोई बॉडी हो उस वक्त उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है जब वो बॉडी लाइक बॉल है वो स्पेसिफिक हाइट्स के बाद दोबारा जब वो नीचे अर्थ की तरफ आ रही होती है तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही होती है और वो अर्थ तरफ की तरफ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रही होती है तो जब भी कोई बॉडी ऊपर फेंकेंगे तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ होगी जाके वो एक स्पेसिफिक हाइट पे जब पहुँचती है तो उस वक्त तो उसको रेस्ट पोजीशन कंसीडर किया जाएगा और उस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और जैसे ही रिटर्न वो दोबारा अर्थ की तरफ फॉल होगी तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कंसीडर करते हैं तो स्टूडेंट्स जब भी कोई बॉडी फ्री फॉलिंग होती है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कंटीन्यूसली चेंज होती है जैसे जैसे वो बॉडी अर्थ की तरफ आती है उस वक्त उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है तो जब हम फ्री फॉल बॉडी की बात करेंगे तो उसमें कंटीन्यूसली एक्सेलरेशन हो रहा है कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन बेसिकली वेलोसिटी की चेंजिंग की वजह से हो रहा है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी है अब जो फोर्स ग्रेविटी मींस जो अर्थ उस बॉडी पे लगा रही है अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करने में वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर डिफाइन किया जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द पुल ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली तो जब भी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करेगी उस वक्त जो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की वजह से है जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कह सकते हैं या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है फ्री फॉल मोशन के लिए एक्सपेरिमेंट गलीलियो साइंटिस्ट ने किया उन्होंने इटली के एक फेमस टावर नीलिंग टावर ऑफ पिज़ा पे खड़े होकर एक एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने उस टॉवर के रूफ पे सेम मासिस के दो स्टोन्स नीचे की तरफ फेंके तो जब उन्होंने ये दोनों स्टोन्स अर्थ की तरफ फॉल किए तो उन्होंने देखा कि ये दोनों स्टोन्स सेम टाइम में एक साथ अर्थ पे हिट कर रहे हैं बट दो अगर अलग मासिस के स्टोन्स हैं तो उन दोनों के लिए एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगी तो कलीलियो साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से हो मींस फ्री फॉल मोशन में जो एक्सेलरेशन क्रिएट होती है ड्यू टू ग्रेविटी वो इनडिपेंडेंट होती है मासिस पे। तो इस वजह से दोनों मासिस जो हैं एट द सेम टाइम अर्थ पे हिट किया की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर होती है जब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू तो ग्राविटी निकालना हो तो ए पुट करेंगे इक्वल टू जी के और वहाँ पे ए की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर या 10 मीटर पर सेकंड स्केयर यूज़ होगी